नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस मर्ज की कि जो मर्ज एक उम्र आने के बाद हमारे बहुत से बुजुर्ग लोगों को और यंग लोगों को भी सब कुछ ठीक होते हुए भी उनके जीवन को मुश्किल कर देता है। हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज के बारे में। आज के वक्त में साथियों, पार्किंसंस डिजीज बहुत कॉमन बीमारी हो रही है। हमारे क्लिनिक पे तमाम लोग आते हैं, हम देखते हैं कि पार्किंसंस कितनी तेज़ी से फैल रहा है। और इसमें एक सोच वाली बात यह कि शुरू में पता नहीं लगता, शुरू में ये मर्ज आपको पता नहीं लगता अगर आपको जानकारी ना हो। तो आज हम आपको बताएंगे पार्किंसंस डिजीज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, जो कि यदि आप जल्दी पहचान लेंगे तो अपना जल्दी इलाज कर लेंगे, और बताएंगे इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो अगर आपके घर में किसी को पार्किंसंस हो गया है, आपके आसपास किसी को पार्किंसंस हो गया है सोसाइटी में, तो इन दवाओं को आप उनको जानकारी देके उनकी मदद कर सकते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ का साथियों सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब सबसे मशहूर एग्जाम्पल कह सकते हैं मोहम्मद अली साहब हैं। मोहम्मद अली वो जो बॉक्सर थे, और कहा जा सकता है कि इतिहास के सबसे ज़्यादा अच्छी बॉक्सिंग करने वाले फाइटर थे, उनको 42 साल की उम्र में पार्किंसंस हुआ था। अब इसके तमाम थ्योरी हैं कि उनको पार्किंसंस क्यों हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि फाइट में उनको चोट बहुत ज़्यादा सर पे लगी तो उनको पार्किंसंस हो गया। कुछ लोग इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं न्यूरॉन्स वक्त के साथ डिजनरेट हुए इसलिए पार्किंसंस हो गया। बहरहाल सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पार्किंसंस होता क्या है। पार्किंसंस डिजीज साथियों ब्रेन का डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपके न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगते हैं। यह मर्ज जैसा कि हमने कहा कि धीरे धीरे बढ़ता है, और इसके शुरू के सिम्टम आपको अननोटिस चले जाते हैं। इसकी शुरुआत ज़्यादातर होती है कि जब आपके चलते वक्त हाथ हिलाना आप बंद कर देते हैं, मतलब आप चल रहे हैं और आपके हाथ नहीं हिल रहे हैं, यह एक इंडिकेशन होता है पार्किंसंस का। दूसरा इंडिकेशन होता है कि आपकी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो धीमी हो जाती है। कहते हैं कि कभी कड़क वॉइस हुआ करती थी और अब धीमी हो गई। तो ये दो सिम्टम होते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं और आप पार्किंसंस का शिकार हो जाते हैं। इसमें आपके जो मूवमेंट्स हैं वो हो जाते हैं, आपके मसल्स में स्टिफनेस आ जाती, तमाम बातें हो जाती हैं। लेकिन साथियों पार्किंसंस होम्योपैथी में क्यूरेबल भी है, और होम्योपैथी में इसको आप रोक सकते हैं और रोक के आप क्योर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो तमाम कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं। अब साथियों जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के विषय में। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वह जो हमने आपको बताया कि आपके शरीर का आधा पार्ट या आपका हाथ, यह जो है वो वर्क करना कम कर देता है। जब इसे स्लो वर्क हो जाता है तो यह पार्किंसंस का सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है ब्रैडीकाइनेसिया, आपकी चाल धीमी हो जाती है, आप रोज़ के भी जो काम करते हैं वहाँ बहुत धीमे करने लगते हैं। जब वो वर्क स्लो हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप हो सकता है, जब आपका उतना कमांड नहीं रहता हाथों पर, स्लो हो जाता है, तो वह पार्किंसंस की ओर है। दूसरा, पार्किंसंस का मरीज जब चलता है तो वह हाथ नहीं हिलाता, मसल्स में एक रिजिडिटी आ जाती है, एक स्टिफनेस आ जाती है, यह भी एक पार्किंसंस का सिम्टम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो राइटिंग है, आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी खत्म होने लगती है, आपके हाथ में ट्रेमर्स आने लगते हैं, ट्रेमलिंग आने लगती है, और आपको लिखने में दिक्कत होने लगती है। अगर यह सब सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं तो आपका जो लाइन है स्वास्थ्य की, वो पार्किंसंस की तरफ मूव कर रही हो सकती है, और आपको इसके लिए तुरंत चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। इसके कारण की जहाँ तक बात है, इसका कारण आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आपके ब्रेन में जब एक उम्र होती है तो न्यूरॉन्स डीजनरेट होने लगते हैं। जब आपके न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं तो उसमें जो न्यूरॉन्स डोपामीन सिक्रीट करते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जब न्यूरॉन डीजनरेट होते हैं तो डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है, और जब डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो आप जान लीजिए कि आपका जो एक्शन है, आपका बॉडी पे कमांड कम हो जाता है। जब ब्रेन से ही सिग्नल नहीं आएंगे तो आपका कमांड कैसे रहेगा।
तो ये वही बात है कि आपका यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब करते हैं और आपका सिग्नल ब्रेन तक, ब्रेन से आने वाला वो कम हो जाता है और आप पार्किंसंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को पार्किंसंस हो गया तो कोई बात नहीं, आप ना घबराएं। होम्योपैथी में इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं। दवाएं बताने से पहले हम आपको दो बातें बता दें। पहली बात ये साथियों, ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, होम्योपैथी को आपके करीब लाने के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर वो दवा आपके लिए मुफीद नहीं है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में हम पोटेंसी दवा की बताते रहे, तो बहुत से मरीजों के फ़ोन आते रहे, वो अपने आप से उस पोटेंसी की दवा बाज़ार से ले आते हैं और उसको लेने लगते हैं, और फिर जब परेशान होते हैं तो हमको फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने दवा बताई थी हमने ले ली, इससे ये हो गया। तो हम उससे कहते हैं कि भाई डॉक्टर से बताए बिना दवा आपने आसपास किसी कुशल चिकित्सक से बताए बिना दवा क्यों ली। तो अब जो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, होम्यो इसकी पार्किंसन डिजीज़ को ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे, लेकिन हम उसकी पोटेंसी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कई पेशेंट अपने मन से बाज़ार से दवा खरीद के खा रहे हैं और वो अच्छा नहीं है। 40% को सीधे फ़ायदा मिला जा रहा है, बाकी 40% भी फायदे में, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो गलत पोटेंसी के सिलेक्शन के कारण परेशानी उठा रहे हैं। बहरहाल चलते हैं, आपको बताते हैं पार्किंसंस डिजीज को होम्योपैथी के द्वारा ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। होम्योपैथी में साथियों पार्किंसंस डिजीज को करने की सबसे कारगर नंबर एक दवा है जलसीमियम। जी हाँ, अगर आपको पार्किंसंस डिजीज है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं और उसके ऑनसेट को रोकना चाहते हैं, तो जलसीमियम से बढ़िया दवा नहीं हो सकती। आप जलसीमियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपके वायलेंट शेकिंग ऑफ हैंड्स है, आपके हाथ या पैर पूरी तरह हिल रहे हैं, ट्रेमलिंग हो रही है, आप सेंसिटिव हैं, तो आपके लिए जलसीमियम से अच्छी दवा नहीं हो सकती। जलसीमियम उस हर व्यक्ति के लिए कारगर है जिसको पार्किंसन डिजीज है, साथ में उसको प्यास नहीं लगती है, उसको डलनेस बनी रहती है, डिजीनेस बनी रहती है, ड्राउजीनेस बनी रहती है, वीकनेस बनी रहती है, एक सुस्ती बनी रहती है। तो यदि आपको भयंकर तरह से हाथ कांपने या पैर कांपने के साथ में पार्किंसन डिजीज है, तो जलसीमियम उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। आप जलसीमियम दवा को लेकर आप लाभ पा सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि अगर बच्चों को यह दिक्कत हो रही है पार्किंसंस के, पहले तो हम दुआ करते हैं किसी को ऐसी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को पार्किंसंस हो रहा है और उसको ट्विचिंग हो रही है, मसल्स ट्विच कर रही हैं, जगह जगह हल्की हल्की सी खिंचाव आ रहे हैं, एक चीटी बराबर खिंचाव आ रहे हैं, उसको ट्विचिंग कहते हैं, ट्विचिंग हो रही है, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। और दवा का नाम है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम 30 दो बूंद दिन में 3 बार यदि वो बच्चा ले लेता है जिसको कि मसल में ट्विचिंग हो रही है और लिखने में दिक्कत हो रही है, लिख नहीं पाता है, ट्रेमलिंग हो रही है, तो जिंकम मेटालिकम बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है पार्किंसंस के लिए। यह 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार देने पर यह दवा उन बच्चों को ठीक कर देगी। एक कंडीशन साथियों आती है पार्किंसंस में कि आपकी मसल बहुत रिजिड हो जाती हैं, बहुत स्टिफ हो जाती हैं, उनमें एक अकड़न पैदा हो जाती है। तो अगर यह कंडीशन आपके सामने होती है कि आपके मसल्स में अकड़न पैदा हो जाए, रिजिडिटी पैदा हो जाए, तो उस स्थिति से पार्किंसंस डिजीज में उस स्थिति से निपटने की सबसे अच्छी दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम हिनिमिनाई 30 पावर में 2 बूंद यदि 3 बार ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पार्किंसंस डिजीज ठीक होने की तरफ बढ़ गया, आपकी मसल्स की रिजिडिटी खत्म हो गई, उसमें सॉफ्टनेस आ गई और आपका मसल्स पे कमांड आने लगा। तो कॉस्टिकम जलसीमियम के साथ इक्वली रैंक करती है बेहतरीन पार्किंसन डिजीज की दवाओं में। एक सिम्टम आता है पार्किंसंस का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लोनेस आ जाती है, मरीज धीमा चलने लगता है, उसका कमांड ऐसा होता है कि वो ब्रैडीकाइनेसिया हो जाता है, मरीज बहुत स्लो वॉकिंग करने लगता है, स्लो काम करने लगता है, मसल्स उसकी स्लो काम करती हैं। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है प्लम्बम मेटालिकम। आप प्लम्बम मेटालिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो
स्लोनेस है यह ठीक हो गई और आप आराम पा गए। फिर एक कंडीशन आती है जो पार्किंसंस के मरीज को कभी कभी महसूस होती है कि जिस फ्लोर पे वो चल रहा है वो अनइवन है, वो फ्लोर इवन नहीं है और इस कारण वो नीचे ही देख के चलता है, उसकी आंखें नीचे ज़मीन ही देखती रहती है और वो चल रहा होता है अल्टीमेटली वो गिर जाता है। तो अगर आप किसी को यह सेंसेशन लगे कि फ्लोर अनइवन नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उथला नीचा है और उसको पार्किंसन डिजीज़ है और उसको चलने में उससे तकलीफ़ होती है, तो उसको ठीक करने की और पार्किंसंस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लथाइरस है। आप लथाइरस सटाइवस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके यह जो सेंसेशन है अनइवन फ्लोर वाला यह भी ख़त्म हो गया और आप चलने से भी गिरने से रुक गए और आपका पार्किंसंस भी ठीक होने लगा। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके मसल्स में स्पैज्म होने लगा, आपके हार्ट की मसल्स में स्पैज्म होने लगा और हार्ट में पैल्पिटेशन होने लगा। तो अगर यह कंडीशन आए कि आपके मसल्स में स्पैज्म हो रहा है यानी खिंचाव हो रहा है और आपके हार्ट में इतना पैल्पिटेशन हो रहा है कि वो पूरे शरीर उससे पैल्पेट होता आपको लग रहा है, तो इस सिम्टम को और इसके साथ आपके पार्किंसंस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फाइटोस्टिग्मा। आप फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पार्किंसंस भी ठीक हो गया, आपका ये जो हार्ट का पैल्पिटेशन है यह भी ख़त्म हो गया और आपके मसल्स में जो स्पैज्म खिंचाव आ रहा है, क्रैम्प आ रहा है, वह भी ठीक हो गया। एक कंडीशन आती है पार्किंसंस डिजीज में कि आपके हाथ में भयंकर ट्रेमलिंग होने लगी, ट्रेमलिंग फॉर द एक्सट्रीमेस्ट डिग्री, बहुत ज़्यादा ट्रेमलिंग होने लगी हाथों में, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मर्सॉल। आप मर्सॉल 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेमलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और आपको आराम मिल गया। मर्सॉल के पेशेंट को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ये भी मर्सॉल का एक सिम्टम है जो उस पेशेंट में पाया जाएगा जिसको मर्सॉल की ज़रूरत है। फिर एक सिम्टम आता है कि पार्किंसन से बड़ा रेयर सिम्टम होता है और मैं बड़ी रेयर दवा आपको बता रहा हूँ कि आपकी टंग में ट्रेमलिंग हो गई, ज़ुबान में ट्रेमलिंग हो गई। अगर साथियों आपको पार्किंसन डिजीज है किसी को और आपकी ज़ुबान में ट्रेमलिंग हो रही है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एस्थिनम है। एस्थिनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेमलिंग भी ख़त्म हो गई, आपके टंग भी स्टेबल हो गई और आपका पार्किंसंस भी ठीक होने लगा। एक कंडीशन आती है कि आपके पैर में बहुत शेकिंग हो रही है, आपके जो लेग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा शेकिंग हो रही है, तो यदि यह कंडीशन आपके पार्किंसन डिजीज़ में है तो इसको ठीक करने की और साथ में इसी सिम्टम के साथ पार्किंसन डिजीज़ को सही करने की बहुत कारगर दवा है जिंकम मिटैलिकम। आप जिंकम मिटैलिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी जो शेकिंग ऑफ लेग्स है वो भी ख़त्म हो गया, आपके ट्रेबर भी कम हो गए और आपका पार्किंसन भी ठीक हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है पार्किंसंस का कि मरीज गिरता है, उसमें एक फॉलिंग होती रहती है, तो अगर आपका फॉलिंग का सिम्टम है, मरीज बार बार गिर रहा है ड्यू टू इम्बैलेंस, जो कि पार्किंसंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, शायद हमने इसको सिम्टम्स में नहीं बोला था लेकिन यह बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, तो उसकी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि आप ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका गिरना भी बंद हो गया और आपका पार्किंसंस भी ठीक होने लगा। एक कंडीशन आती है साथियों पार्किंसंस में कि मरीज के शरीर में इचिंग हो रही है, मरीज के शरीर में ट्रेमलिंग हो रही है और मरीज अपने को छूना भी पसंद नहीं कर रहा है। यदि आप पार्किंसंस के मरीज को छू रहे हैं तो वो परेशान हुआ जा रहा है, उसके पेन हो रहा है, तो अगर यह कंडीशन आपको पार्किंसंस डिजीज में दिखे तो इस कंडीशन को ठीक करने की और इसके मार्फत आपको पार्किंसंस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अगैरिकस मस्कैरिस। अगैरिकस मस्कैरिस 200 पावर में 2-2 बूंद यदि आप 3 दिन में 3 बार ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेमलिंग भी कम हो गई और आपकी जो सेंसिटिविटी है यह भी कम हो गई और ग्रेजुअली ये खत्म हो गई। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके पार्किंसन डिजीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, उससे आप फेंट हो जाते हैं।
अगर यह कंडीशन आपके है तो होम्योपैथी में दवा है इन तीनों कंडीशन को एक साथ सही करने की, आपकी ट्रेमलिंग को, आपके पार्किंसन डिजीज को यानी कि आपकी फेंटनेस को और आपकी नर्वसनेस को। और दवा का नाम है हेलोडर्मा। आप हेलोडर्मा 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार अगर आप ले लेते हैं, पार्किंसन डिजीज और इन सिम्टमों से निजात मिलने में कतई देर नहीं लगेगी, इससे आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको पार्किंसन डिजीज को ठीक करने की। हमारा ये प्रयास था आपको होम्योपैथी के करीब लाने का। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। हमें बड़ी खुशी होगी आपको कारगर जवाब देने में। अगर आपको साथियों हमारा ये होम्योपैथी को आपके करीब लाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाकर सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।